चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा अपने जमान में रखे, मेरी चांद सितारे वाली फैमिली को कभी किसी की नजर ना लगे। और आप लोगों की दुआ से देखे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और आज मैंने ब्लॉग बनाया है कबाब जी का और बहुत मजा आने वाला है, इंजॉय करिएगा पूरे ब्लॉग को मेरे। और ये बताए बहुत बड़ी खुशी थी हसान के लिए और हसान ने हम लोगों को सबको पार्टी करवाई है, बच्चा पार्टी। और ये सारी अम्मी के जितने भी माशाल्लाह पोता पोती नवासा नवासी सब हम लोग बेटियां और हम सब हैं। और माशाल्लाह सब को दावत दी है हसान ने और हसान अल्लाह पाक उसको उसके रिस्क में बरकत दे, अल्लाह पाक उसके हर काम में भी बरकत दे। और इतनी अच्छी माशाल्लाह इतने छोटेपन में उसने इतनी अच्छी दावत की है और माशाल्लाह माशाल्लाह वो हमें कबाब जी लेकर आया है यार, जबरदस्त, बहुत मजा आने वाला है। और आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और शाला शफी के व्लॉग में आप लोगों को खुश आमदीद है। और ये देखें मैं एक एक चीज दिखाऊंगी और ये कबाब जी की दुनिया है और ये इतनी जबरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा कबाब जी, वैसे मैं दो तीन जगह जा चुकी हूँ दूसरी ब्रांच में, मगर वो इतना बड़ा कबाब जी नहीं है। और ये तो पूरी एक दुनिया बनी हुई है कबाब जी की और बहुत जबरदस्त बना हुआ है। और ये हाईवे पर है और बहुत बहुत जबरदस्त बना हुआ है। और ये चेक करें आप, यहाँ झूले, आपको यहाँ पे हॉल भी है कबाब जी का और जबरदस्त यार, 1000 गज पे बना हुआ है हॉल अलग। और आपको अगर अरेंज करवाना है वहाँ जो भी और शादी वगैरह वलीमा वगैरह जो भी है वहाँ हो सकती है तकरीब वगैरह। और ये देखे एक बहुत खूबसूरत बना हुआ था कबाब जी, बहुत प्यारा। और मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को जरूर दिखाऊंगी कि कबाब जी कितना जबरदस्त है। और अगर आप लोग आए हुए हैं तो थैंक यू, और अगर नहीं आए हुए तो मेरे ब्लॉग में देख के और ये जरूर आए हैं आप लोग। और ये बहुत जबरदस्त बना हुआ है कबाब जी और माशाल्लाह माशाल्लाह एक एक चीज बड़ी नफासत से बनी हुई और बहुत खूबसूरत लग रहा था कबाब जी। और देखें मैं भी बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। और ये है कि बस ये देखें सज्जी चेक करें यार, ये बेचारी मुर्गियां यार, कैसे चिकन देखे कैसा टंगा हुआ है यार। और ये हम लोग खाएंगे यार, बड़ा तरस आ रहा था इनके ऊपर। कोई बात नहीं, मगर हम लोग पता नहीं सज्जी मंगाएंगे नहीं मंगाएंगे, इसलिए बच्चा पार्टी है, बच्चे नहीं खाते सज्जी वगैरह। ये कि अभी क्या मंगवाते हैं वो सब आपसे शेयर करूंगी मैं। और ये इनका किचन है, मैंने अंदर जाना था मगर उन्होंने कहा कि अलाउ नहीं है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये देखें आई लव अल्लाह, वाओ यार कितना खूबसूरत लिखा हुआ है कबाब जी। और बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत मजा आने वाला है। हम लोग इंतजार कर रहे थे, हम लोग एक गाड़ी के बंदे भी आए थे और एक गाड़ी के भी रह गए थे और हम लोग सब इंतजार कर रहे थे। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और ये देखें कितनी खूबसूरत सी माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो ये कह रही थी यहाँ बैठे इतना जबरदस्त लग रहा है यार, यहाँ कोई नहीं बैठा। और ये बच्चे बस मेरे साथ साथ मेरे ब्लॉग को मुझे कह रहे थे लाए हम लोग आपके ब्लॉग बनाते, मैंने कहा नई ब्लॉग तो मैं खुद बनाऊंगी अपना। और ये देखें डायनासोर देखें यार वाओ। और ये देखें ये हॉल है, बहुत जबरदस्त बना हुआ था अंदर से और ये बस से बंद था इसलिए हम लोग अंदर गए नहीं। और बहुत जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह फबी अला ही रबी कुमा तो कल जीवान वाओ। अच्छा बहुत जबरदस्त यहाँ पे झूले वगैरह भी थे, आप बड़ों के भी और छोटों बच्चों के भी, और बहुत इंजॉय करें यहाँ। बस आ जाए तो आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा, आपको यहाँ पे बच्चों को भी ये है कि इंजॉय हो जाएगा बच्चों का भी और बड़ों का भी। और बड़ी जबरदस्त, मुझे तो बड़ा बहुत प्यारा लगा है ये होटल, बहुत जबरदस्त लगा है माशाल्लाह कबाब जी। और मेरा तो दिल खुश हो गया था और थैंक यू सो मच एहसान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो जी जी जाते हैं।
सब बैठ चुके थे और सबको मैं कह रही थी हाथ हिला दीजिए मेरी फैमिली को सब, और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली बैठी हुई भी थी और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली देख भी रही है मुझे। और ये थे, मैंने सबको कहा सबने हाथ हिलाए यार, सब बैठे हुए थे, राहिला, हिना, अधिका, शामी वगैरह, सान सब थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पूरे अम्मी के घर के बच्चे माशाल्लाह और बेटियाँ और माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। और ये सब के सब आए थे आसान के साथ, और थैंक यू आसान, सब जने जो है ना आसान को शुक्रिया अदा कर रहे थे। और अभी बस अभी खाना वगैरह मंगाते हैं, देखते हैं क्या मंगवाते हैं, और बड़ा एंजॉय कर रहे थे। आसान कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने इतनी अच्छी दावत हमारी की है, खुश हो आप? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा की कमी है बस इसमें, सवेरा को भी लेकर आएंगे एक दफा, है ना? ठीक है। हम भी, आपको कैसा लग रहा है कि आसान ने दावत दी आज? बहुत अच्छा, अल्लाह हमेशा ऐसी दावतें। आमीन आमीन। आज मेरे छोटे बच्चे ने देखे इतनी बड़ी दावत हम लोगों को सबको दी है, और अपनी खुशी में हम लोगों को भी शामिल किया है इसने। थैंक यू आसान। देखे माशाल्लाह, खुद ब खुद ये पटाखे वगैरह भी जिसके आसमान पे देखे माशाल्लाह। और ये हमारी खुशी में नहीं थे, ये खुद ही पता नहीं कोई पार्टी थी यहाँ पीछे भी और हो रही थी। और ये थी कई लोग ये सारी अपनी सेल्फियाँ पिक्चर वगैरह बना रही थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये सब जनियाँ जो है ना अपने अपने कामों में लगी पड़ी थी, और ये माशाल्लाह सब अपने काम कर रही है। माइन शामी की भी इतनी प्यारी आ रही है। क्या रखे रहे दो? आप ला लो, मुझे दे दो।
बाद रोटी भी है बेटा, रोटी ले लो बाहर, रोटी ये Yes. एक दफा और बोल दो जोर से। हम लोगों ने और बिलाल हबीब ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया और अम्मी ने बहुत, हम सब ने बहुत याद किया कि जरकामी एसम जोरेब को और मूसा को। ये बच्चे सारे तुर्की में, अम्मी के पोते माशाल्लाह पांच, एक अरसलान जो भाई आए हुए उनका बेटा मूसा और जेब के चार बेटे। और किजर आप लोग फिक्र नहीं करिएगा, आप लोग जब आओगे इससे भी बड़ी पार्टी करेंगे इंशाल्लाह, दादी अम्मी ने बोला है। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शहला शफीक ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।